हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के बहुत ही टेस्टी रस भरे गुलाब जामुन, जो कि बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। त्योहारों का सीजन है, आप ज़रूर बनाएंगे। जब भी आपका कुछ मीठा वगैरह खाने का दिल करता है, आप झट से बना सकती हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप रेसिपी को ध्यान से देखिए, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए, तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे महीन वाली सूजी ले ली है एक बोल। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर ले, तो आपकी महीन सूजी तैयार हो जाएगी। उसके बाद गैस पे हमने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है। आप कोई भी कप कटोरी या ग्लास सेट कर ले, उसी से हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो दो बोल हमने यहाँ पे दूध डाल लिया है और इसी बोल से एक बोल हम यहाँ पे डालेंगे सूजी, यानी कि जितनी हम सूजी लेंगे उसका दो भाग हमें दूध लेना है। और सूजी को देखिए, आपको इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए डालना है और दूसरे हाथ से आप लगातार चम्मच से चलाते रहें, नहीं तो सूजी में गुठली पड़ जाएगी, जो कि वो बिल्कुल बात तक भी ठीक नहीं होती है और तली भी लग सकती है सूजी, जिससे कि जल सकती है, तो हमारे गुलाब जामुन का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे बिल्कुल मीडियम ही रखें और हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये एक डोसा ना बन जाए। एक चौथाई चम्मच हम यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा गुलाब जामुन में। और लगातार आप चलाते भी रहें ज़रूर इस तरीके से। तो देखिए, गुलाब जामुन के लिए हमारा बहुत अच्छा डो बन के सूजी का तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक स्टील की प्लेट रख लेते हैं और प्लेट में आप घी ज़रूर लगाएं नीचे से तली में, उससे ये होगा कि सूजी इसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगी। उसके बाद डो को देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा फैला के रख लेते हैं। गरम गरम डो है तो आप किसी स्टील की प्लेट में ही डालें, प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में ना डालें। और थोड़ा सा हाथ लगाने तक हमें इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं करना। तब तक हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक बोल पानी डाल लिया है, उसी बोल से एक बोल हम यहाँ पे चीनी डाल लेंगे, तो चाशनी जल्दी भी बन जाएगी और परफेक्ट भी बनेगी। और आप लगातार चम्मच से चलाते रहे ताकि चीनी बिल्कुल तली ना लगे, नहीं तो हमारी चाशनी ख़राब हो जाएगी। और चीनी पिघलने तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतनी ही बनानी है कि हल्की सी जब हम इसे उंगली से छुए तो ये सहज जैसी लगे। और आधा हम यहाँ पे नींबू का रस डाल लेंगे, इसे डालने से चाशनी में जो गंदगी होगी वो भी किनारे हो जाती है और चाशनी जो है वो जमती नहीं है। चाशनी बहुत बार बनने के बाद जमने लग जाती है। अब हम यहाँ पे एक चौथाई चम्मच डाल लेंगे हरी इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। देखिए, इस तरीके से उंगलियों के बीच में अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सहज जैसी चिपचिपी लगनी चाहिए। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। और गुलाब जामुन बनाने के लिए डो भी यहाँ पे हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना करना है कि जितने में हम हाथ लगा सकें। देखिए, और इस तरीके से हम इसको थोड़ा फैला लेंगे। और दो चम्मच हम यहाँ पे देसी घी डालेंगे, इससे ये होगा कि ये हाथ में नहीं चिपकेगा। और देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट का समय ज़रूर हमें देना है और बहुत सॉफ्ट हमें डो लगाना है। हथेली से इस तरीके से आपको मलना है। देखिए, इससे हमारे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत टेस्टी। और अगर थोड़ा मैं तली में चिपक रहा है डो, तो थोड़ा देसी घी आप तली में और लगा ले तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो बस, गुलाब जामुन के लिए डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऊपर का घी का हाथ लगा के रख ले। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा काजू बादाम को ग्रेट कर लिया है, या बारीक काट लें, क्योंकि हम थोड़ा सा गुलाब जामुन के अंदर भरेंगे, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन और टेस्टी लगे खाने में। और इस तरीके से हम चम्मच से लेंगे ताकि हमारी सारी बॉल का साइज़ एक सा लगे। और हल्के हाथों से आपको गुलाब जामुन बनाने हैं, क्योंकि सूजी के सख्त हाथ से बिल्कुल नहीं बनाने हैं, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन बहुत कड़क बनेंगे। और देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा बीच में हमने काजू बादाम भर लिए हैं और हल्के हल्के हम इसे बंद कर लेंगे। और कोई भी आपको यहाँ पे देखिए, दरार वगैरह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, आप आराम आराम से उसे बंद कर ले। और गुलाब जामुन हमारे सारे हमने बना के रख लिए हैं, ऊपर से बिल्कुल पंखे से नहीं सूखने चाहिए। आप थोड़ा सा घिया तेल का हाथ लगा सकते हैं। गैस में हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है तेल गर्म करने के लिए, तो तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए। उसमें हम एक एक करके ये सूजी की बॉल डालेंगे और जब सारी बॉल हम डालेंगे तब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। ध्यान रखना है, ठंडे तेल में आपको गुलाब जामुन नहीं डालने हैं, नहीं तो डालते ही फट जाएंगे। और बहुत तेज़ धुएँ वाले तेल में भी नहीं डालना है, तेल मीडियम अच्छा गर्म होना चाहिए।
और उसके बाद देखिए आपको आराम से हल्के हाथों से थोड़ा सा आप कढ़ाई को इस तरीके से हिला लें, क्योंकि सूजी के हैं गुलाब जामुन थोड़ा भारी होते हैं, इसलिए तली ना चिपके। अगर आप हल्के से हाथों से इस तरीके से हिलाएंगे तो वो ऊपर आ जाते हैं, और अगर एक साइड से हल्के से ब्राउन आपको दिखे तो आप आराम आराम से इन्हें एक एक करके दूसरी तरफ पलट लें। और धीमी धीमी आंच में ही हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बीच में बहुत ज़्यादा तेल का टेम्परेचर लो हो गया है, थोड़ा सा मीडियम गैस को कर सकती हैं। तो बस गुलाब जामुन हमारे बनके बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन हम गर्म गर्म चाशनी में डालेंगे और 2 मिनट तक हम इसे चाशनी में पकाएंगे मीडियम फ्लेम में, क्योंकि सूजी के हैं थोड़ा सख्त होते हैं तो अंदर तक चाशनी जानी चाहिए। आप बिल्कुल ना डरे, आपके गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटेंगे। आप गैस पे 2 मिनट तक ज़रूर पकाएं, उसके बाद आधे घंटे के लिए चाशनी में आपको छोड़ दें। आपके गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनेंगे। देखिए मैं एक बार आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितने अंदर तक रस भरा हुआ है, क्योंकि सूजी के गुलाब जामुन थोड़ा सख्त होते हैं तो उन्हें चाशनी पर पकाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप गुलाब जामुन बनाते वक्त हल्के हल्के हाथों से बनाएं, क्योंकि बहुत सख्त ना हो जाए। तो देखिए अगर आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, यकीन मानिए। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।